नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट टेक न्यूज़ और टेक रिव्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की दुनिया के सबसे बड़े एंड्रॉयड सिस्टम को रन करने वाले एंड्रॉयड के बारे में। सॉफ्टवेयर्स की दुनिया में गूगल का एंड्रॉयड काफ़ी बड़ा नाम है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में प्रयोग होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। स्मार्टफोन्स की दुनिया में इस सॉफ्टवेयर को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। गूगल अपने इस सॉफ्टवेयर को हमेशा नए अपडेट्स देता रहता है, जैसे कि हम जानते हैं। और हाल ही में एंड्रॉयड ओरियो के बाद गूगल ने इसका अगला वर्जन जो कि एंड्रॉयड पेस्ट किया था गूगल आयो 2018 में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो शो पूरी तरह देख सकते हैं। हर साल शो होता रहता है गूगल आयो का, और इसमें गूगल आयो में बहुत सारे वर्जन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे फीचर्स को, जैसे कि AI सिस्टम्स। आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें एंड्रॉयड की के बारे में। हाल ही में गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड का नया वर्जन लॉन्च किया है, जैसा कि आप मैंने बताया। हालांकि अभी सिर्फ चुनिंदा फोन्स में, यानी कि बहुत ही कम फोन्स में, नए फोन्स में भी आएगा, पर बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। OnePlus 6T में भी आपको मिलेगा, OnePlus 6 में भी मिलेगा। इस अपडेट के माध्यम से गूगल ने एंड्रॉयड यूज़र और इंटरफेस को और भी स्मार्ट बना दिया है। गूगल ने साफ तौर पर बता दिया है कि वर्जन में यूज़र को कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी लैग्स, कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे, और यह पिछले अपडेट्स की तुलना में काफ़ी फास्ट होगा, यानी कि आपको एक फास्टर, स्मूथर, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपके नए फ़ोन में, जिसमें होगा एंड्रॉयड पी। ओरियो से भी ज़्यादा एंड्रॉयड पी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा है उसकी सॉफ्टवेयर को। तो ये थी कुछ एंड्रॉयड पी के बारे में बातें। अगर आप भी एंड्रॉयड पी वर्जन वाला कोई स्मार्टफोन यूज़ करते तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।